नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यहाँ पे। दोस्तों वीवो की तरफ से काफी कमाल की अपडेट निकल के आ रही है। वीवो दोस्तों अपना V19 और V19 Pro जो फोन है वो बताया जा रहा है कि IPL शुरू होने से पहले लॉन्च करेगा, यानी कि मार्च में आपको वीवो का V19 और V19 Pro यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अच्छी अपडेट ये है कि इसकी जो प्री बुकिंग है वो आपको इस महीने फरवरी में यहाँ पे शुरू होने वाली है। वैसे तो अभी तक इस फोन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बस हल्की फुल्की रूमर्स और लीक्स है जो इसके बारे में कुछ बता रही है बातें। तो वो तो आपको बताने वाला हूँ कि क्या कुछ खास होगा वीवो V19 Pro में, कितनी होगी इसकी प्राइस, इंडिया में लॉन्च कब होगा, सब हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्री बुकिंग जो है फरवरी में यहाँ पे शुरू हो जाएगी, यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है। हम बात करते हैं दोस्तों Vivo V19 V19 Pro के हाइलाइट्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों इसकी प्राइसिंग। यहाँ पे बताया जा रहा है जो Vivo V19 है यहाँ पे इसकी जो प्राइस शुरू होने वाली है वो 20,000 रुपए होगी और इसकी जो हायर रेंट होगा वो 25,000 तक यहाँ पे जाने वाला है। और वहीं अगर हम बात करें V19 Pro की तो यहाँ पे आपको 25,000 और 30,000 के बीच में इसकी प्राइसिंग यहाँ पे होने वाली है, यानी कि 20,000 से शुरू होकर यहाँ पे 30,000 के बीच में आपको Vivo V19 V19 Pro यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों Vivo V19 V19 Pro के बारे में जो अपडेट निकल के आए वो आपको पहले बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो फोन आने वाला है आपको Redmi के K30 K30 Pro, Realme के X2 X2 Pro जैसे फोन को काफी कड़ी टक्कर देने वाला है। तो क्या बोलते हैं उसका एक कंपैरिजन भी होना चाहिए, कमेंट बताइएगा, मैं जरूर इसके लिए कंपैरिजन भी लेके आऊंगा डिटेल में। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे जुड़ी हुई लीक्स और रूमर्स के बारे में कि क्या निकल के आया है Vivo V19 और V19 Pro के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों इसकी आपको पंच होल आपको डिस्प्ले होने वाली, यानी कि जो कैमरा होगा वो लेटेस्ट ट्रेंड जो अभी आया हुआ है 2020 का जो ट्रेंड है पंच होल वाला, तो वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। वैसे तो जो ट्रेंड है 2019 के अंदर भी था, लेकिन यहाँ पे 2020 के अंदर अधिकतर और मैक्सिमम फोन आपको यही आपको पंच होल या फिर पॉपअप सेल्फी कैमरे के साथ यहाँ पे आपको आने वाला है, नॉच एकदम भी यहाँ पे नहीं होने वाली है 2020 में आने वाले फोन के अंदर। अगर हम बात करें दोस्तों इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसमें बताया जा रहा है कि आपको बहुत बड़ी बैटरी यहाँ पे होने वाली है, यानी कि बैटरी आपको मैक्सिमम 5,000 mAh तक बैटरी देखने को मिल सकती है और टाइप सी पोर्ट और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स यहाँ पे आपको होने वाला है। तो ये तो डेफिनेट सी बात है कि आपको 20,000 का फोन और 25,000 का फोन में ये फीचर्स तो होंगे ही, इसमें कोई शक वाली यहाँ पे बात नहीं है। बात करें दोस्तों इसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होगा, जो कि हाईली की है कि आपको 800 सीरीज का कोई प्रोसेसर आपको हो सकता है स्नैपड्रैगन का। इसमें बताया जाएगा दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ यहाँ पे काफी बड़ी डिस्प्ले होने वाली है, लगभग 6.7 इंच तक की यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो सकती है। तो ये दोस्तों जो अपडेट थी वो आपको अभी तक मार्केट में आई है, इससे जुड़ी और इससे अलावा यहाँ पे अभी तक कुछ भी मार्केट में इससे जुड़ा हुआ अपडेट नहीं है, कुछ भी अभी तक इससे जुड़ी अपडेट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बाकी अपनी तरफ से कुछ भी कोई भी ऐड कर सकता है, कुछ भी अपने हिसाब से अनुमान लगा सकता है, लेकिन जो ऑफिशियली कहें तो अपडेट यही है कि इस फोन के अंदर आपको ये सब फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। और बाकी जो भी इससे जुड़ी अपडेट आएगी हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। हमारे साथ बने रहे, चैनल सब्सक्राइब कर रखे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी छोटी छोटी बाइट्स वगैरह आपको हमारे तरफ से देखने को मिलती रहेगी। बाकी कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।